दोस्तों, हर कोई चाहता है कि रामायण पर ऐसी फिल्म बने जिसे देखकर लोग कहे यही तो चाहिए था हमें, ऐसी ही ओरिजिनल स्टोरी और डायलॉग के साथ ऋतिक रोशन रामायण लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से आदिपुरुष ने रामायण बनाई है, वानर सेना को गोरिल्ला सेना बना दिया और रावण को छपरी टिकटॉक वाला बनाकर रख दिया, इससे हर कोई नाराज है। ऋतिक जो रामायण बनाने वाले हैं, उसका बजट लगभग 800 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं नितेश तिवारी जी, जिन्होंने छिछोरे और दंगल जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। बीते दिनों 2 अक्टूबर को बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ था, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसका कारण रहा फिल्म में हद से ज्यादा CGI का इस्तेमाल और लो क्वालिटी का VFX और हनुमान जी जिनकी रामायण में अहम भूमिका रही है। लेकिन आदिपुरुष के इस टीजर को देखकर लग रहा है जैसे कि उनका कोई रोल है ही नहीं। ऐसे में अब फैंस को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के टीजर को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। व्यूवर्स का सपना था रामायण को देखना, लेकिन टीजर देखने के बाद अब बस ये फिल्म एक एनिमेटेड बनकर रह गई है। अब बस उम्मीदें हैं तो बस नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से, जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। कुछ रूमर्स की माने तो फिल्म में ऋतिक रोशन लंकेश यानी रावण के रोल में नजर आ सकते हैं। वहीं मेरा ओपिनियन है कि ऋतिक को राम का रोल ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिल्म को रामायण की ओरिजिनल स्टोरी के साथ ही प्रेजेंट किया जाएगा, साथ ही फिल्म में जबरदस्त VFX भी देखने को मिलने वाला है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ऋतिक रोशन को रामायण में देखने के लिए? आपको क्या लगता है कौन हनुमान जी के रोल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आदिपुरुष देखने के बाद सबका भरोसा उठ गया है।